बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंस्टीट्यूशन 2011 में मैं सेक्शन बी में आपको 9A भी करवा चुकी हूँ, 9B, और इसके बाद ये 10A और 10B, ये दोनों मैं अपलोड कर दूँगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अब ये वाला जो क्वेश्चन है, गिवन द एवरेज कॉस्ट, ये आपको एवरेज कॉस्ट का फंक्शन गिवन है। डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल फॉर द इलास्टिसिटी ऑफ टोटल कॉस्ट। आपको इलास्टिसिटी ऑफ टोटल कॉस्ट निकालनी है पहले, फिर उसकी वैल्यू निकालनी है जब AC यानी कि X आपको गिवन है 2। तो अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें AC गिवन है, AC x²-3। हमने क्वेश्चन रिपीट किया, क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट किया। अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन आएगा। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा इससे, 5 × 5 x बेस सेम पावर है 2 + 1 = 3। ये अब मल्टीप्लाई होगा 6 से, प्लस 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 6x = 6x². अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, माइनस प्लस माइनस, 3 × 5 = 15x, माइनस प्लस माइनस, 6 × 3 = 18। ये AC का आंसर आ गया, लेकिन हमें कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकलेगी तो फिर इलास्टिसिटी और टोटल कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, AC × x। हमने ये जो AC की वैल्यू आई है इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ x की पावर बढ़ जाएगी। ये x² हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा, x² और 18x। तो ये हमारे पास C टोटल कॉस्ट आ गई। इलास्टिसिटी ऑफ टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है EC = ∂C अपॉन ∂Q × Q/C। मेरे पास जो कॉफिशेंट है वो x है, तो मैं q की जगह क्या लिखूँगी, x। तो यहाँ पे ∂C/∂x × x/C। अब इस एक्सप्रेशन में क्या करना है, मुझे डेरिवेटिव निकालना है कॉस्ट का। तो मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल दिया है, 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 1, 3 6 × 3 = 18, 3 × 1 = 2, 15 × 2 = 30, 2 × 1 = 1, 18 × 1 = 18, 1 − 1 = 0, कांस्टेंट नंबर की पावर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो 1 आ जाता है, और ये बाकी का एक्सप्रेशन सेम लिखते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या किया है, ये वाला एक्सप्रेशन लिखा और ये इसको मल्टीप्लाई करके सीधा कर दिया और सी इसके नीचे आ गया। यहाँ पर ये हम ऐसे ही चलाएंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करें, और कॉस्ट की वैल्यू जो ऊपर हमने कैलकुलेट की है उसको यहाँ पर लिख देंगे। कॉस्ट हमारे पास है ये हमने नीचे लिख दिया, यहाँ पर यह लिख दिया। अब इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, इसके बाद 4x थे, इसके पास 3 थे, इसके पास 2 थे, इसके पास 1 था, सब एक एक मिला सकते थे। एक बार आ गया, यहाँ से एक बार गया तो 3 बचे, यहाँ से एक बार गया तो 2 बचे, यहाँ से 2 में से एक गया तो 1 बचा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो ये x और इस x से कट गया, तो हमारे पास इलास्टिसिटी और टोटल कॉस्ट आई है ये इसके एक्सप्रेशन आ गया, तो ये फाइनल हो गया। अब इसकी वैल्यू डाल के सॉल्व करना है, 2 इसकी 2 वैल्यू डालनी, तो ये पूरा पीछे से मैंने एक्सप्रेशन रिपीट किया, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 डाल दिया मैंने। या 2³ है, या 2² है, और या x² है। 2³ = 8, 2 यानी कि 2 को 3 बार करना है, 2² = 4, 4² = 8। 2² है, से मतलब 2 को 2 टाइम करना है, 2² = 4। इसी तरह नीचे भी ये किया, 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया 160, 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया 72, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60, और 18 नीचे भी ये 5 है, और ये 2 को 3 बार किया तो 8, 5 × 8 = 40, 6 × 4 = 24, 15 × 2 = 30, और ये इन सबको सॉल्व किया तो 154 आया, और इसको सॉल्व किया तो 16 आया। इनको डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई इलास्टिसिटी और टोटल कॉस्ट की 9.65। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। 2011 में क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी पार्ट है, इसमें वो कह रहा है आपसे, गिवन द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन P = 10 − 2x, फाइंड द टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ये आपको एवरेज रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है, इससे आपको टोटल रेवेन्यू मालूम करना है और मार्जिनल रेवेन्यू मालूम करना है। तो P = 10 − 2x ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है, हमने यहाँ लिख दिया, हमने बताया कि एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस के। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है, टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय x। ये आपने लिया 10 − 2x, ये x इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 10x, इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2x². ये आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो डेरिवेटिव और टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने वैल्यू लिख दी इसकी। अब यहाँ पे वही पॉलीनोमियल का निकालना है, क्योंकि कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि जिस पे चेन रूल वगैरह लगे। तो 10 × 1 = 10, 1 × 1 − 0, 2² = 4, 2 × 1 − 1, तो 10 − 4x आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।